दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आजकल बहुत वायरल हो रहा है। उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगा और योगी आदित्यनाथ के इस ट्विटर हैंडल के मुताबिक ये ट्वीट उन्होंने जनपद इटावा से किया है, ज़िला इटावा से किया है। उसमें उन्होंने अपनी एक तस्वीर लिखाई है। पहले ट्वीट मैं पूरा बता दूं आपको क्या है, उसके बाद इसके वायरल होने की वजह भी बताऊंगा कि आखिर ये इतना वायरल क्यों हो रहा है और किस तरह से लोग इस ट्वीट को पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या कमेंट लिख रहे हैं और किस तरह से फजीहत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बल्कि उनकी पूरी पार्टी की, उनके पार्टी के कैंपेन की किस तरह से लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये ट्वीट आप ज़रा गौर फरमाइए। इसमें वो लिखते हैं कि जनपद इटावा इतिहास रचने जा रहा है, आतंकियों के रहनुमा और अपराधियों के सरपरस्त यहाँ पस्त होंगे। यहाँ पर भी वो वोटों के पोलराइजेशन का जो हर वक्त दिमाग में रहता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, वो इस ट्वीट में भी झलक रहा है, यानी आतंकियों के रहनुमा और अपराधियों के सरपरस्त यहाँ पस्त होंगे। इटावा ने ठाना है हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, धन्यवाद इटावा। ये उन्होंने अपने पूरे ट्वीट में लिखा है। अब इस ट्वीट में वायरल करने वाली कौन सी बात है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रा फ़ोटो देखिए। जो फ़ोटो योगी आदित्यनाथ ने अपने इस ट्विटर पर डाली है, उस फ़ोटो पे ज़रा गौर कीजिए और ग़ौर से इस फ़ोटो को देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया है कि वो इटावा में हैं और इटावा की जनता कितनी ज़बरदस्त वहाँ पर भीड़ लगी है उनके दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए। ये दिखाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कर रहे हैं। आप अपने विधानसभा अपने विधायक को चुनाव भेजना है, जिसके अब जरा इस फोटो को आप जूम करके देखिए। ये जूम फोटो आपके सामने है, आपको अंदाजा होगा कि क्यों ये वायरल हो रही है फोटो। इसका अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर वजह क्या है इस फोटो के और इस ट्वीट के इतने वायरल होने की। आप देखिए, साफ लग रहा है कि ये बाकायदा एडिट करके और अपने ट्विटर हैंडल पर ये फोटो चस्पा किया गया है, डाला गया है। जनता किसी और तरफ देख रही है, जिस भीड़ का वो दावा कर रहे हैं कि इटावा में उनके दर्शनार्थ इतनी भीड़ जमा हुई लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में, वो जनता किसी और तरफ देख रही है, यानी ये कहीं और का फोटो है और बाबा का फोटो कहीं और का है। जनता बिल्कुल उसके ऑपोजिट देख रही है, जहाँ पर जिस तरफ से वो हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं पब्लिक की तरफ, लेकिन पब्लिक उनको ना देखकर किसी और तरफ देख रही है। तो ये साफ इसमें लग रहा है कि किस तरह से इसको एडिट करके सजाया गया इस फोटो को, और बिना सोचे समझे, बिना इसकी बारीकी देखे इसको लगा दिया गया, और वो भी योगी आदित्यनाथ के अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर। अब ज़रा लोगों के रिएक्शन देखिए आप इस पर, किस तरह से खिल्ली उड़ रही है, मजाक उड़ रहा है पूरे सोशल मीडिया पर इस फोटो को लेकर, इस ट्वीट को लेकर। तो मैं वो भी आपको बता दूं। पहले तो ये कि मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो लिखते हैं कि जो फोटोशॉप फ़ोटो है वो कौन सी है और रियल कौन सी है, तो उन्होंने दोनों फ़ोटो इसमें डाली हैं। इसके अलावा ओमेंद्र सिंह एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने एक फ़ोटो डाली है और उसमें उन्होंने दो फोटो डाली हैं अपने ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि भूले नहीं भूलेगा कुछ भी जब वोट करेगा यूपी, और उन्होंने एक हाथ का निशान, उंगली का निशान जिस पर के स्याही लगी हुई है, और उन्होंने हाथरस की उस बेटी की चिता को जलते हुए दिखाया है, जिसको आधी रात को चिता में जिसके आग लगा दी थी, जिसका अंतिम संस्कार आधी रात को बिना परिवार की अनुमति के और बिना परिवार को बताए पुलिस ने कर दिया था। दूसरा जो फोटो है उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि नहीं भूलेगा कुछ भी जब वोट करेगा यूपी, और उन्होंने
किसानों की हालत बताई है जिसमें एक जीप आ रही है और वो किसानों को कुचलती हुई निकल रही है। एक और ट्विटर हैंडल मैं आपको बताता हूँ, अनूप मैथिली ये हैं, इस नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है और वो लिखते हैं, आप भी फर्जी बाबा बन गए महाराज आसाराम की तरह फोटोशॉप वाले बाबा। एक और ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अरे महाराज जनता आपसे मुंह फेरे खड़ी है, ये तो जंगल राज के पतन की शुरुआत है। हिमांशु जैन नायक नाम के ये ट्विटर हैंडल हैं। तो ये तो बात हो गई कि जिस तरह से खिल्ली उड़ रही है, जिस तरह से मजाक उड़ रहा है न सिर्फ योगी आदित्यनाथ का बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का। अब मैं ज़रा थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। आपको याद होगा सितंबर में तमाम अखबारों में, उत्तर प्रदेश के बल्कि नेशनल पेपर्स में एक एड प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, ट्रांसफॉर्मिंग यूपी के नाम से ये एक एड था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहा विकास दिखाने की कोशिश की थी और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की खासी खिल्ली उड़वाई थी। उसमें उन्होंने कोलकाता के एक ब्रिज को दिखा दिया था कि ये उत्तर प्रदेश में बन रहा है या उत्तर प्रदेश में बना है, ये उसमें दिखा दिया था और वो झूठ पकड़ा गया और उसके बाद भी खासी पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद अखबार वालों ने सफाई दी, अखबार ने कहा कि ये हमारी वजह से हुआ या हमारे जो मार्केटिंग या सेल्स की एड टीम है उसकी वजह से ये सब गड़बड़ी हुई। तो सरकार ने उस वक्त अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन इस फोटोशॉप को या इस फोटो को जिसको इटावा का बताया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर इसको डाला है, इस पर क्या सफाई देंगे योगी आदित्यनाथ? किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? सब जानते हैं दो चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और दो चरणों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं जनता ने उत्तर प्रदेश की, वो सबको जाहिर हो रहा है। और अब आने वाले जो पांच चरण हैं उसमें थोड़ी बहुत साख बनी रहे उसके लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता झूठ का सहारा ले रहे हैं। एक झूठ तो ये आपके सामने है। तो किस तरह से यूपी के वोटर को वरगलाने की कोशिश कर रही है और इस वरगलाने में किस तरह से झूठ का सहारा लिया जा रहा है? सोशल मीडिया पर खुलेआम झूठ परोसा जा रहा है और वो भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए। एक कहावत है दोस्तों, राजा कभी झूठ नहीं बोलता और जो झूठ बोले वो राजा नहीं हो सकता। मुझे इजाजत दीजिए।